Please give an energetic and warm welcome to the one and only Bhuvan Bam. कैसा लगा सरप्राइज? नहीं पता था क्या किसी को? ना ना, अरे वाह, कोई आइडिया नहीं था। आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी मेरी। मेरी भी। मैंने भी रिसेंटली आपकी वो सीरीज देखी, ताजा खबर। कितनों ने देखी आप में से? ऑलमोस्ट सबने देखी है। कुछ हाथ उठे हुए नहीं है तो आज देख लेना। अब बताओ कौन है जो कुछ पूछना चाहते हैं? आपकी एक मीवी की एड थी जिसमें आप खुद संदीप महेश्वरी बने थे। ओए, सर, मैं? सर, आपको उस वक्त कैसा लगा था? आपको कभी सोचा था कि आपको भी संदीप सर के आगे बैठोगे और इस एड के बारे में? कभी सोचा ही नहीं था मैंने। मेरी इच्छा थी मिलने की, लेकिन मुझे याद है हम वो वीडियो बना रहे थे और कुछ उन्होंने उनका ब्रीफ आया था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि मोटिवेशन से रिलेटेड हो। फिर मैंने कहा यार एक ही आदमी है। सर आप इतने खुश कैसे रहते हो मुझे ये जानना। पता क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी खुद की मुस्कुराहट इतनी इन्फेक्शियस है कि आपके सामने सब मुस्कुराते हैं। मैं कसम से मुस्कुराने के इंटेंशन से नहीं बैठा था इधर, पर आपको देख के मेरे को एकदम स्माइल, एकदम मुंह पे स्माइल रहती। मैं आपको वेगस में देखने आया था ना। हाँ। तो मेरे को बाउंसर्स ने धक्का मार के भगा दिया था, पर यार मेरे को पता नहीं था आपको मैं सामने से देखूंगा। आई लव यू। और उस दिन के लिए सॉरी, मुझे पता नहीं था, पर मैं बात करूंगा, सच में उनसे बात करूंगा। रोज खाना देख, खाना खाते समय इनको देखता हूँ। भाई की आवाज। वहाँ भुवन पीछे लड़कियां कह रही हम भी थोड़ा सा रो लेते हैं। अभी किसी और से लेते हैं, वो तब तक नॉर्मल हो जाएगा। हाँ ठीक है। सर आप डिंडोरा के प्रमोशन के लिए बिग बॉस सीजन 15 में गए थे, तो क्या एज ए कंटेस्टेंट आप बिग बॉस में दिख सकते हैं? मैं कैसे बताऊं, वो 365 डिग्री कैमरे होते हैं यार वहाँ पे, मैं नहीं कर सकता उसके सामने। आपको पता ही है कैसे हैं हम सब। समझ ही आ रहा है। तो वो क्या है, वो अलग दुनिया है वो। पर आपको दुनिया देखना चाहती है एज ए रियल बिग बॉस में कि आप कैसे हैं? मैं थोड़ा वक्त लेके दिखाई दूंगा अपने आप को दुनिया। जैसे आप दोनों ही मतलब ऐसी थे ना सर, जैसे मतलब जो सड़कों पे ऐसे छिछोरे लड़के घूमते हैं ऐसे मतलब थे ना। क्या बोल गए आप? एक मिनट सुनने दो मेरे को, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दोनों ही छिछोरे हो ये कह रहे हो? और वैसे ही रहना, और ऐसे ही रहना, छिछोरे ही रहना, जैसे मतलब... सड़कों पे छिछोरे होते। आप लोग वैसे ही थे ना। हाँ, तो अब आप इतने सक्सेसफुल, इतने रिस्पेक्टेड बन गए हो, तो सर आपको कैसा लगता है? छिछोरा। वैसे ही लगता है जैसा लगता था, हमें छिछोरा ही लगता है, और जो नहीं लगता था वो भी आज आपने लगा दिया सबके सामने। एक बार ही टीटू मामा की आवाज, एक बार। क्या टीटू मामा है ना, मेरे को टीटूआ मेरा तब तक सही से नहीं निकलता जब तक वो मूछे हैं, तब तक वो विग ना लगे। हम इमेजिन कर लेंगे। नहीं, आई थिंक टीटू मामा जहां तक मैंने देखा है थोड़ा गुस्से में रहते हैं, राइट? वो हमेशा। हाँ, हाँ। तो कोई ऐसी बात करो ना कि इनको थोड़ा गुस्सा आए, तब इनके अंदर का टीटू मामा बाहर आएगा। मतलब नहीं, उसकी जरूरत है नहीं। क्या संदीप भाई, मेरे को वैसे ही गुस्सा आ जाता है, खासकर ऐसे सवाल होते हैं मेरे को बहुत गुस्सा आता है। Big round of applause for him.
भाई शेयर योर सक्सेसफुल जर्नी इन 2-3 words. ओनली 2-3 words. मुझे थोड़ा इसमें वैसा लगता है कि अब 7 साल की जर्नी में 2-3 शब्दों में अगर बताऊं तो मेरे को लगता है मैं बहुत कुछ मिस आउट कर जाऊंगा. पर अगर आपने पूछा है कि 2-3 words में, मेरे लिए तो मैं इसको रोलर कोस्टर राइड बोलूंगा, क्योंकि खूब चीज़ें देखी मैंने. बहुत ऐसी चीज़ें देखी जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बहुत ऐसी चीज़ें देखी मैंने जो मैं बता सकता हूँ. पर ऑल इन ऑल मज़ेदार रहा है, और मेरे को लग रहा है जब तक जीवन रोलर कोस्टर की तरह ना हो, अप्स डाउन्स दोनों आने चाहिए लाइफ में, और जब तक वो ना हो फिर क्या जिया. तो इन्होंने एग्जैक्ट 3 words में बता दिया, देखो रोलर कोस्टर राइड जी, यानी अप एंड डाउन, है ना. हाँ सर, एक इश्यू है मेरे साथ. आपका वीडियो में कैरेक्टर है फमीर फुद्दी. हाँ. ओ ये. हाँ. तो सर सब मुझे उसी के नाम से मतलब चिढ़ाते हैं या फिर उससे रिकॉग्नाइज करते हैं, फमीर फमीर करके. लेकिन सर वो बंदा बड़ा मस्त है, उसके पास लड़कियां हैं. सर यहाँ पे 23 साल हो गए, सूखा पड़ा हुआ है. सर वैलेंटाइंस डे वीक में भी आपकी वीडियो देख के निकालना पड़ता है. क्या कह रहे हो, वैलेंटाइन वीक में भी वीडियो देख के क्या करना पड़ता है? मेरे को लग रहा है ये वीडियो आपके चैनल पे जाएगा. कैसे जाएगा? जाएगा क्योंकि इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, जो देख रहे हैं उनकी सोच कर दी है. मतलब हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात हो रही है वैलेंटाइन डे पे अकेले, है ना. हाँ ठीक है हम समझ गए आपकी भावनाओं की पूरी कदर हो रही है यहाँ पर. लेकिन सवाल क्या हुआ भाई? सर सवाल ये हुआ कि वो फमीर तो इतना मतलब उसको इतना मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा. ऐसा क्यों होता है? उसकी तरह बोल के दिखाओ एक बार आप, मतलब वो फीलिंग के साथ जैसे वो बोलता है. ओ ये. इसीलिए नहीं मिल रही. हेलो सर जी, मेरा नाम अंजलि है और मैं जम्मू से हूँ. मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब बढ़ा दो पहले. किस नाम से है, क्या करते हो आप, किस तरह का कंटेंट बनाते हो? सर ऐसे ही. नहीं ऐसे ही मतलब क्या? ब्लॉगिंग करते हो? हाँ. अभी कितने हैं आपके सब्सक्राइबर्स, कितने हैं? कुछ मुझे पता नहीं है, 2000 से ज्यादा ही है मतलब. और किस नाम से आपका चैनल? टेल्स बाय अंजलि. टेल्स बाय अंजलि. हाँ जी प्लीज. अजय भाई घुमाना कैमरा. तो अगर आप वीडियो के इस टाइम स्टैम्प तक पहुंच गए हैं तो टेल्स बाय अंजलि करके एक बड़ा खूबसूरत सा चैनल है व्लॉगिंग का, आप उसको ऐसे ही सब्सक्राइब कर दो. क्योंकि ये ऐसे ही व्लॉग करती हैं और इनको ऐसे ही कंटेंट बनाना पसंद है, तो आप भी जाते जाते ऐसे ही सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को. आप बताएं, बस हो जाएंगे 1-2 लाख तो ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. मतलब क्या कहना है. ठीक है, बहुत है. अब उसके बाद ढंग का कंटेंट डालना, हमारी थोड़ी लाज रख लेना. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू भैया. आपकी जो कॉमेडी बिट्स हैं उनको मैं अपने दोस्तों से वो एनैक्ट करके हंसाता हूँ, तो अगर आपकी परमिशन हो तो वो आपके सामने इनैक्ट कर सकता हूँ. Why not? यहाँ के करोगे? आप बताओ. आ जाओ यहाँ, आ जाओ. Big round of applause for him. ये और इसका दोस्त बंछोर दास सारे टाइम क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलते रहते हैं. मेरी क्लास विक्टो के जस्ट पीछे ही है, तो जान पूछ के पीछे वाला डिविलियर वाला शॉट मारते हैं. बहुत बढ़िया जी, कांग्रेचुलेशन. मजा आया, मजेदार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टीटू मामा करेक्टर है उसके बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई सीरीज लाओगे? यार चल रहा है अभी, सोच रहा हूँ मैं. पर सीरीज नहीं होगी, पर एक फिल्म हो सकती है. भाई आप इतने बड़े यूट्यूबर कॉमेडियन एक्टर बन गए हैं, विद योर एक्सपीरियंस आप हमें बताना चाहेंगे न्यू यूट्यूबर्स के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे? देखो मैं मेरे टिप्स शायद लागू ना हो. विद योर एक्सपीरियंस, आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसके. जी वो शायद, मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो शायद लागू ना हो, वो शायद वर्क ना करें आपके लिए. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्या है. मेरे को ऐसा लगता है कि अभी सही टाइम है सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने का, सही टाइम है. लेकिन हम देखते हैं कि अब खैर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को इतना तवज्जो मेरे को लग रहा है मिलता नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है. अभी शॉर्ट्स हम देखते हैं, हम रील्स बहुत देखते हैं. तो उनके लिए भी है, रील्स के लिए भी है, और उनके लिए भी है कि आप कुछ भी बना लें, आप ट्रेंडिंग पे बेशक बनाएं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जैसे क्या बोलते हैं ट्रेंडिंग म्यूजिक होता है ना जिसके ऊपर रील्स बनाते हैं, आप बनाएं उसके ऊपर रील्स बनाएं. आपको जो करना करें, मैं केवल अभी उनके लिए बोल रहा हूँ, आप बनाएं, आपको जैसा सही लगता है आप वो करें. लेकिन आप ये याद रखिए कि ये जो आप कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं, आप
एक ऐसी चीज भी तैयार करें साथ साथ जो आपके नाम से जानी जाए, विच विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. फिर आप सिर्फ उस रील के लिए नहीं जाने जाएंगे कि उसने वो एक रील बनाई थी, वो फिर कंटेंट आपके नाम से जाना जाएगा कि अरे वो देख उसका वो वाला कंटेंट है ना, उसका है वो वाला कंटेंट. तो ये जब आप करते हैं तो आप अपने लिए एक अलग ऑडियंस बनाते हैं. और फिर अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ये उसमें बड़ा हेल्प करता है कि आप कुछ ऐसा बनाएं जो सिर्फ आपके ऊपर हो, सिर्फ आपकी उस पर वो हो कंट्रोल. मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने यूट्यूब पर कॉन्टेंट डालना शुरू किया था तो आपने मतलब ये सोचा था कि जब मेरे कॉन्टेंट को मेरी फैमिली या रिलेटिव्स देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा? और मतलब उसके बाद रिएक्शन क्या था उनका जब उन्होंने आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब पे? यार वो थोड़े तो हक्के बक्के रह गए थे शुरू में क्योंकि उन्होंने ऑफिस में देखी जब दूसरे लोगों ने कैंटीन में चलाई और उसमें गालियां वाली भी मतलब अच्छी खासी थी. वो वाली चल रही थी वीडियो वैलेंटाइन वाली, वैलेंटाइन होती आपा, वो वीडियो चलाई थी. फिर क्लास लगी रात में घर पे कि ये सब क्या है और क्या होगा इससे. पहला सवाल तो ये होता है घर वालों को बेचारे पूछते हो ये एक ही चीज़ कि इससे क्या मिलेगा. फिर वो तो यही चाहते हैं ना कि बच्चे खुश रहें ऑफिस, कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा, कहीं भटक तो नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, तो कैसी बातें कर रही है और दुनिया क्या कहेगी. हाँ, मैंने कहा मेरे को मेरे 2 साल दे दो. मैंने आप लोगों के हिसाब से 12 साल स्कूल में आप जैसा हेयर स्टाइल रखा, आप जैसे कपड़े पहने, आपने जैसा बोला वैसा बिहेव किया, मुझे मेरे 2 साल दे दो, लेट मी फिगर आउट कि मैं क्या चाहता हूँ जीवन में. अगर नहीं हुआ तो मैं वही कर लूँगा जो आप कह रहे हो. तो वो उस मामले में बड़े सपोर्टिव थे. तो मेरे को लगता है कि हाँ वो शुरू का ही थोड़ा त्रास था पर उसके बाद तो सही हो गया. थैंक यू. अब बिल्कुल लास्ट में वो आपका वो रह गया था उस समय बीच में, तो अगर आप अपना जो कंप्लीट करना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड. सर कॉलेज के ना 3 लड़के होते हैं जिनको एक असाइनमेंट मिला होता है कि भाई तुमको अपना जो प्रोजेक्ट है उसको लाइव जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. तो वो लोग तीनों निकल जाते हैं और एक तबेले की तरफ जाते हैं. तो तबेले में जाके जो तबेले का बुजुर्ग इंसान होता है उससे जाके बोलते हैं भाई ऐसी बात है, हम 3 बंदे हैं और हमको आप पॉइंट्स दोगे 10 स्टार के हिसाब से, हम जैसा काम करेंगे वैसा आप हमको पॉइंट्स दोगे और वो हम जाके कॉलेज में सबमिट कराएंगे तो हमको प्रोजेक्ट में बढ़िया नंबर मिलेंगे. तो बोलता है ठीक है. उसने आके बोला तुम तीनों को मैं 3-3 भैंस दूंगा और 3-3 भैंस देने के बाद उसमें से सबसे ज़्यादा दूध जो निकालेगा उसको मैं 10 पॉइंट्स दूंगा और जो जितना कम निकालेगा उसके पॉइंट्स उतने कम होते रहेंगे. तो फिर वो उन लोगों को सुबह 6 बजे का टास्क होता है, 6 बजे 3-3 भैंस मिलती है और अलग अलग तबेले में तीनों अलग अलग तबेले में घुस जाते हैं. अब भाई पूरा दिन दूध निकालने में लगे पड़े. अब शाम हो गई तो बुज़ुर्ग इंसान आया, आके बोल रहा है हाँ भाई कितना दूध निकाला. वो बोलता है भाई मैंने तो 10 लीटर निकाला है, मेरी तीनों भैंसों में मिला के ए ने 10 लीटर निकाला है. अब बी ने बोला सर मैंने भी 10 लीटर निकाला है, मुझको भी 10 स्टार दो. उन्होंने बोला चल तेरे भी 10 स्टार. अब तीसरा के बोलते भाई तुमने 10 लीटर कैसे निकाल लिया यार, मेरे तो 600 ग्राम दूध निकला है बस. फिर बाद में उसने बोला कि अबे तेरा 600 ग्राम कैसे निकला, चलियो जाके देखा है भैंस का नहीं सांड का दूध निकाल रहा है जाके. भुवन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मजा आया मिलने करके और सही है आपका जो स्टाइल है वो नेक्स्ट लेवल है, मानना पड़ेगा. और फैन फॉलोइंग तो पागल है.